उसी में है इम्पोर्टेंट पार्ट उसके सब पीपल गन आउटसाइड फॉर जियो लोकेशन अचानक जो वेट वेट फॉर समथिंग वेट वेट फॉर समथिंग ब्रिजेश देखो बाहर जो लोग गए हैं उनको बुला दो सर सत्ता भूल गया पेज सर सलमान इधर देखो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपके कोड में इंटरनेट कंपास और जीपीएस ऑन होना चाहिए जब आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन या ये करेंगे तो ठीक है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जीपीएस जीपीएस हमारे मोबाइल में ऑन होना चाहिए और इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर लेस देन 10 मीटर होनी चाहिए ठीक है जैसे आपका आ रहा होगा स्क्रीन में दिखा रहा होगा पॉइंट लाइन पॉलीगन जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है लैट लॉन्ग पोजीशन तो ये 81 मीटर दिखा रहा है लेकिन हमें जब पॉइंट में लेना होगा कैप्चर करना होगा पोजीशन तो वो 10 मीटर लेस देन 10 मीटर 10 मीटर के अंदर रखना है ठीक है फिर हम कैप्चर पोजीशन करेंगे तो उसमें मीटर वैरी करता है ऊपर नीचे करेगा ठीक है कभी जैसे ऑनलाइन अभी ऑनलाइन वो चल नहीं पा रहा इसलिए 81 मीटर दिखा रहा है जब आप ऑन करेंगे जीपीएस तो वो वैरी करेगा तो लेस देन 10 मीटर 10 मीटर के अंदर रखना है ठीक है देन टेक फोटो ठीक है फिर आता है हमारा अवेलेबल फ्री रैम मेमोरी हमारे फोन में 200 MB रैम मेमोरी फ्री होनी चाहिए जो कि अगर जंग फाइल है आपके मोबाइल में तो वो आप हटा देंगे तो आपका फीचर कैप्चर अच्छा से करेगा और एक्यूरेसी भी अच्छी दिखाएगी फिर आता है हमारा कंपास एक्यूरेसी जैसे कि हर किसी के मोबाइल में कंपास अवेलेबल नहीं होता है ये हमारा जरूरी नहीं है बट अगर आपके मोबाइल में कंपास है तो वो आप ऑन कर लेंगे ठीक है देन टेक फोटो फोटो हम दो लेंगे और अलग अलग साइड से लेंगे ठीक है फोटो साइज क्या रहेगी हमारी सो फोटो साइज रहेगी लेस देन 1 MP ओके सर उसके बाद हमारा दिखा रहा है बैग नीचे से हम बैग जाएंगे देन आता है हमारा रजिस्ट्रेशन सर रजिस्ट्रेशन करना नहीं अभी आते चलो ठीक है मैप एसेट ब्रिजेश कहाँ है सर इसके बाद आता है मैप एसेट ये हम मैप एसेट करके बताएंगे आपको ठीक है सर मैप एसेट ओके थैंक यू नहीं नहीं मेरी दिक्कत होती लेकर धन्यवाद रामी जी मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जो है एपीके फाइल इंस्टॉल कर लिए होंगे और अपना अपना आईडी और पासवर्ड आप लोग जनरेट कर लिए होंगे अगर किसी को प्रॉब्लम है आईडी हो सकता है जनरेट नहीं हुई हो तो हमारी टीम पीछे है आपसे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं अभी मैप एसेट यहाँ बताया जा रहा है अभी आप बाहर चल के एक बार और बता दिया जाएगा इसलिए जिसका नहीं हो रहा है तो बगल वाले का देख ले तब तक पहले तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये जो है हमारी इसरो टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि है भुवन पंचायत जिससे आप इंडिया के नियर अबाउट मेनी मोर एसेट की आप जियो टैगिंग कर सकते हैं और ये पूरी तरह से जो है फुली इंडियन है मैप कैसे सभी लोग लॉगिन कर लिए
कर लीजिए फाइनल, कोई इतना कठिन नहीं है। सोनिया बताओ सबको, प्रेरणा तुम भी बताओ इसमें नहीं है आप। एनआरसी एनआरसी सवेरे बताया था ना श्रीनिवास जी ने, एनआरसी मैपिंग करने के लिए, जियो टैगिंग करने के लिए हमें जो है तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा जो है मोबाइल में जीपीएस ऑन होना चाहिए। सोनिया सोनिया और जैसा कि राकेश ने अभी आपको बताया कि जीपीएस की एक्यूरेसी लेस देन 10 मीटर होनी चाहिए। या ब्लूटूथ से ले लीजिए, इतना झमेला करने का। आप लॉग इन करेंगे तो आपके इस पोर्टल पे फोर आइकन आएंगे। फर्स्ट है टू मैप एसेट, सेकंड है व्यू एसेट, नेक्स्ट है सेंड और फोर्थ है एग्जिट। मैप एसेट से हम किसी भी लोकेशन की या किसी भी एसेट की मैपिंग करेंगे। अरे बस बताओ कैसे। सपोज लीजिए जैसे अगर हम किसी ग्राम पंचायत में जाते हैं, वहाँ पे एज अ टॉयलेट की मैपिंग करनी है, या प्राइमरी स्कूल है, या रोड है, या फिर एनीमोर एज यू थिंक, जो भी गवर्नमेंटेड एसेट है उनकी अगर हमें मैपिंग करनी हो, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री टेक्स्ट सर्च में उसको सर्च करें। जैसे टॉयलेट अगर आपको मिलता है, तो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट करके ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एसेट के पास जाएंगे। सपोज लीजिए अगर हमें टॉयलेट की मैपिंग करना है तो उस टॉयलेट के पास जाएंगे एंड द कैप्चर पोजीशन, ताकि आपका जियो जो है लैग लॉन्ग है कैप्चर हो जाए। कैप्चर करते इसमें फील हो जाएगा जीपीएस लोकेशन कैप्चर विथ 11 मीटर एक्यूरेसी। देन फिर हम उस लोकेशन की फोटो लेंगे, उस टॉयलेट की फोटो लेंगे। सपोज की एज ए सामने कुछ भी एज ए प्रैक्टिकल क्लास है, हमने एक फोटो ले लिया। आप लोग स्क्रीन पर देखिए ये डायरेक्ट कैसे हो रहा है, दिखाया जा रहा है। अब इसमें आप फील कर दीजिए पब्लिक टॉयलेट है या किसके नाम से बना हुआ है। किसी के नाम से होगा, अगर हम गांव में जाते हैं तो श्याम राम जो भी नाम है आप उसमें फील कर देते हैं। नेक्स्ट फिर वो किस टाइप का है, बायो टॉयलेट है या फिर जो कन्वेंशनल टॉयलेट है, आप इसमें फील करते जाएंगे। देन वो गवर्नमेंटेड है, प्राइवेट उन्होंने खुद बनवाया है। नेक्स्ट उसमें फैसिलिटी क्या, फ्री है पेड है। जैसे हम शहरों में रहते हैं तो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट पेडेड होते हैं, हमको कुछ पैसे देके उसको हम यूज करते हैं। गांव में ऑलरेडी वो फ्री होता है, अब तो धीरे धीरे गाँव में भी एक एक पब्लिकली बनने लगे हैं, जिसका गवर्नमेंट अभी तो प्लानिंग नहीं की हो सकता। नेक्स्ट उसको कितने स्टाफ यूज करते हैं आप इसमें फील करेंगे, 5, 4, 6 जो भी यूज करते हैं, एक टोटल एट्रीब्यूशन आप करके। नेक्स्ट अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास और उस लोकेशन पे फाइंड होती है तो हम उसमें फील कर देंगे। देन सेंड और सेंड लेटर का ऑप्शन है। अब अगर हम ग्रामीण एरिया में जियो टैगिंग कर रहे हैं, दैट टाइम में हो सकता है कि वहां पे नेटवर्क की पॉसिबिलिटी ना हो, तो हम उसको सेंड लेटर कर देंगे और बाद में जब हम नेटवर्क लोकेशन में आएंगे देन फिर उस फाइल को सेलेक्ट करके और उसको हम फिर सेंड कर देंगे कि हमारे भुवन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, जिसको आप व्यू भी कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आपने जियो टैगिंग कहाँ पे किस लोकेशन में किस पंचायत में किस चीजों की है। नेक्स्ट इसी तरह से आप जिस भी एसेट की जियो टैगिंग करना चाहें फ्री टेक्स्ट में आप उसको सर्च करेंगे और वो आपको उसमें मिल जाएगा।